हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सर्दियों में बनने वाले मेथी के लड्डू। इसे हमने दूध में घंटों भिगो के नहीं रखा था, बल्कि हमने इसमें दूध का यूज बिल्कुल भी नहीं किया। ये इंस्टेंट बनने वाले मेथी के लड्डू हैं और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने हैं। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो चलिए इस मेथी के लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने मेथी दाना को कपड़े से पोंछ कर इसे पीस लिया है। वजन में देखेंगे तो ये 1 किलो मेथी का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। और जितना हमने मेथी ली है उतना ही हम आटा लेंगे। जो रोज रोटियाँ बनाने में आती हैं गेहूं का आटा, बस उसे ही लेना है। तो 1 किलो हम यहाँ पे लेंगे घी। घी आप गाय या भैंस का किसी का भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हमने 400 ग्राम हमने गोंद लिया है, ये बारीक वाला गोंद है। 100 ग्राम लेंगे हम काजू, 100 ग्राम लेंगे हम बादाम, 100 ग्राम ही हम लेंगे अखरोट। 15 से 20 ग्राम हमने काली मिर्ची ली है और 1 जायफल का टुकड़ा। इसे हम पूरा यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आधा ही इसमें यूज़ करेंगे। 100 ग्राम लेंगे हम फूल मखाने। 10 ग्राम ली हमने थोड़ी सी पिस्ता। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। 2.5 किलो हमने गुड़ लिया है और 1/2 किलो लेंगे हम नारियल। सूखा नारियल है, इसे हम पीस कर इसको बारीक कर लेंगे। अब कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है और गैस को चला लिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी। तो 1 किलो घी है, इसको हम थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करेंगे। तो घी जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें डालेंगे हम बादाम। बादाम को हम घी में लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। फ्रेंड्स, बादाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदा करती हैं। इसे आप सर्दियों में तो क्या पूरे 12 महीने यूज कर सकते हो, इतना ये फायदा करती हैं। तो ये देखिए, थोड़ी सी देर में ही ये बहुत ही बढ़िया फ्राई हो चुकी हैं। अब बादाम को हम उसी कटोरी में निकाल कर रख देंगे। सारी बादाम को हम फ्राई करके निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम काजू को भी फ्राई करेंगे। इसे भी डाल देंगे और लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ पे खजूर डाल सकते हो, किशमिश भी डाल सकते हो। तो आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कोई भी इसमें डाल सकते हो। तो ये देखिए, हमने इन दोनों को अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब डालेंगे इसमें अखरोट। अखरोट को भी हम थोड़ी सी देर फ्राई करके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार ये पूरा वीडियो देखिए और इस तरीके से बनाया गया मेथी के लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। अब इसमें डालेंगे हम फूल मखाने, इसे भी हम थोड़े से घी में फ्राई कर लेंगे। फूल मखाने को आप ऐसे ही फ्राई करके बच्चों को दे सकते हो, इसमें कैल्शियम भरपूर होता है। अब ये देखिए, ये फूल मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम मिक्सी के जार में पीसेंगे। इसे आप दरदरा पीसे या बारीक, जैसे आपको पसंद हो उसी तरीके से आप पीस सकते हो। अब जो हमने नारियल लिया था उसके बारीक टुकड़े कर लिए हैं और इसको भी मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। और जो गुड़ लिया है इसको हमने बारीक टुकड़े कर लिए हैं, इसको बाद में हम मेल्ट करेंगे। तो उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा घी और डाला है और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। ड्राई फ्रूट्स हमने पहले ही फ्राई कर लिए हैं, अब करेंगे इसमें गोंद को फ्राई। तो यहाँ पे हमने बारीक वाला गोंद ले लिए हैं। अगर आपके पास मोटा वाला गोंद है तो माम दस्ते में थोड़ा सा कूट कर बारीक कर लीजिए और उसके बाद उसे फ्राई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, घी गर्म हो चुका है तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा गोंद और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसके बाद इसे फ्राई करेंगे। तो इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये अंदर तक अच्छे से पक ना जाए। तो ये देखिए, हाथों से हमने इसे दबाया है तो ये बहुत ही बढ़िया फ्राई हो चुका है। थोड़ा थोड़ा गोंद को हम घी में डालकर सारे गोंद को इसी तरीके से हम फ्राई करके और एक परात में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमने 1 किलो मेथी ली है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी कम कर सकते हो। जब भी आप कभी लड्डू बनाएं तो बिल्कुल कम मात्रा में बनाएं और उसी के हिसाब से सारा मेजरमेंट आप कर सकते हो।
तो ये देखिए सारे गोंद को हमने फ्राई कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्लेट वाली कटोरी ली है, इसको इस तरीके से दबाते हुए बारीक कर लेंगे ताकि जो लड्डू खाएं तो वह गोंद मुंह में ना आए, बिल्कुल हम इसे बारीक कर लेंगे। तो ये देखिए सारे गोंद को हमने इस तरीके से बारीक कर लिया है। अब उसी कढ़ाई को हम फिर से गैस पे रख देंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी। मेथी के लड्डू बना रहे हो फ्रेंड्स तो घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा। तो ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा घी डाला है। अब इसमें डालेंगे हम आटा। तो ये देखिए इस आटे को हमने थोड़ा सा मोटा पिसवाया है, अगर आपके पास बारीक वाला आटा है तो उसे भी डालकर आप सेक सकते हो। तो ये देखिए घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें डालेंगे हम आटे को। आटे को हम जब सेकेंगे तो इसकी फ्लेम को हमें लो ही रखना है, आटे को सिकने में बहुत ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम इसे लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक सेकेंगे, जब तक कि आटा अच्छे से सिक ना जाए। फ्रेंड्स यदि मेथी को आप दूध में डालकर 5 से 6 घंटे तक भिगो के रखते हो तो उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। तो आज इसकी कड़वाहट कम करने के लिए यहाँ पे हमने जितनी मेथी ली है उतना ही हम इसमें आटा डालेंगे, इससे मेथी की कड़वाहट कम हो जाती है। फ्रेंड्स एक बार ये तरीका जरूर अपनाइए, इससे बिल्कुल भी लड्डू कड़वे नहीं लगेंगे। फ्रेंड्स आटे में हमने बिल्कुल कम घी डाला है, घी हम लास्ट में डालेंगे, जितना हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम इसमें घी यूज़ करेंगे। तो आटा अच्छे से भुन चुका है, अब गोंद को हम अच्छे से परात में फैला देंगे और इसी के ऊपर डालेंगे हम सिका हुआ आटा। आटे को भी हम सब तरफ से फैला देंगे। अब जो हमने सूखी मेथी का पाउडर बनाया हुआ था उसको भी इसी के ऊपर डाल देंगे। तो मेथी को हमें बिल्कुल भी भूनना नहीं है, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी, तो बिल्कुल कच्ची ही हमें इसे यूज़ करनी है। तो ये देखिए मेथी का पाउडर भी हम इसी तरीके से फैला देंगे। फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि इस तरीके से तो लड्डू कड़वे हो जाएंगे, पर यकीन मानिए फ्रेंड्स बिल्कुल भी ये लड्डू कड़वे नहीं बनेंगे। अब उसी कढ़ाई को हमने साफ कर लिया है और उसमें डालेंगे हम घी। अब उसमें डालेंगे हम टुकड़े किए हुए गुड़। गुड़ को हमें मेल्ट करना है, हमें इसकी कोई एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें इसे मेल्ट ही करना है। तो 1 किलो हमने मेथी ली है तो उसी के हिसाब से हमने 2.5 किलो गुड़ लिया है। तो आप यहाँ पे मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाना चाहते हो तो 3 किलो गुड़ भी ले सकते हो। अब गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक यहाँ पे हम सारी चीज़ें डाल देंगे। तो नारियल को हमने बारीक पीस लिया था, उसे भी डालकर अच्छे से फैला देंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें हम फैला देंगे तो सारी चीज़ें आसानी से मिक्स हो जाएगी, हमें इसको मिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब यहाँ पे हमने जो फूल मखाने फ्राई किए थे उसको भी हमने पीस लिया है और इसे भी डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने अखरोट को भी पीस लिया है, उसे भी डालकर अच्छे से फैला देंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने बिल्कुल बारीक ही पीसा है और इन सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। इन्हें सेहत के लिए खाना बहुत ही अच्छा रहता है। तो ड्राई फ्रूट्स को आप जो भी बना रहे हो, जैसे मेथी के लड्डू या गोंद के लड्डू, जो भी लड्डू बना रहे हो उसमें आप ड्राई फ्रूट्स जरूर डालें। तो यहाँ पे हमने काली मिर्ची को भी दरदरा पीस लिया था, उसे भी डाल देंगे। ये सर्दी जुकाम में बहुत ही फायदा करता है और आँखों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। थोड़ी सी पिस्ता को भी हमने पीस लिया है, इसे भी डाल देंगे। 1/2 चम्मच डालेंगे हम जायफल, जिसे हमने थोड़ा सा घिस लिया था। आप यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से इसे अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी गोंद के मोटे टुकड़े रह गए हो तो हाथों से इस तरीके से क्रश करने से वह बारीक हो जाते हैं। अब ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा गुड़ मेल्ट होने लगा है, तो इसे हम लो फ्लेम में थोड़ा सा मेल्ट और करेंगे ताकि जो ये मोटी मोटी गुठलियाँ हैं वह ना रहें। फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ की जगह चीनी या बूरा चीनी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन चीनी से तो ज़्यादा गुड़ के लड्डू बहुत ही फायदा करते हैं। तो ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गए हैं, अब इसे हम ध्यान से ही इसमें डालेंगे और इसे हम पलटे से अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ बहुत ही गर्म है तो हाथों से इसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है।
पलटे से ही हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और जब गुड़ हल्का सा ठंडा हो जाए उसी के बाद हम हाथों से इसे मिक्स करेंगे। अब ये सारा मिश्रण हल्का ठंडा हो गया है तो अब हम हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा बहुत घी बच गया है तो उसको गर्म करके इसमें डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें मीठा कम है तो आप थोड़े से गुड़ को और मेल्ट करके इसमें डाल सकते हो, या घी कम लगे तो थोड़ा सा घी गर्म करके इसमें डाल सकते हो। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके बनाएंगे हम लड्डू। तो हाथों में थोड़ा सा मिश्रण ले लेंगे और गोल गोल दबाते हुए इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, एक लड्डू हमने इस तरीके से बना लिया है और इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर हम तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, सुबह सुबह खाली पेट एक लड्डू और दूध की गिलास अगर पियोगे तो आपको कई फायदा मिलेगा। इससे आपके घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, कई सारी जो शरीर की परेशानियां होती है उससे आपको दूर भगाएगा। फ्रेंड्स, मेरे तरीके से बनाए गए लड्डू अगर आपको थोड़े से भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस तरीके के लड्डू बनाए हैं या नहीं। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं और पूरी सर्दियों में आप इस तरीके के लड्डू बनाइए और सारे शरीर के दर्द को दूर पकाइए। तो इस सर्दी में एक बार मेरे तरीके से मेथी के लड्डू जरूर ट्राई कीजिए।